हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ एकदम टेस्टी यम्मी उपमा। तो चलिए देखिए मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ मैंने लिया मैंने एक नींबू, थोड़ी कड़ी पत्ता, प्याज, थोड़े साबुत चने दाने और सिंग दाने, और साथ में हरी मिर्च, और मैंने थोड़ी लिया टमाटर, और साथ में काली वाली सरसों। तो चलिए, और ये सारी मैंने सामग्री ली है, तैयार करके पहले से रख ली है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो यहीं पर रख दिया मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए, और चटपटा एकदम चटाकेदार उपमा बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनते हैं ये। और चटनी की रेसिपी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, प्लीज़ जाके मेरी चैनल पे आप देखें। तो टेस्टी एकदम चटाकेदार उपमा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया तेल, तो आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं या फिर घी में भी बना सकते हैं। तो बट यहाँ पर मैं बना रही हूँ सरसों का तेल में, क्योंकि इसकी जो है टेस्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैं जो है और रिफाइन ऑयल की जो उपमा है और वेजिटेबल उपमा मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, बट मैं आज बिल्कुल हल्के तरीके की उपमा बना रही हूँ, और बिल्कुल खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, चटाकेदार लगते हैं। और गर्मा गर्म आप जब कभी भी बना के आप बच्चों को दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। और तो बने रहिए पूरी वीडियो में, देखिए मैं किस तरीके से उपमा बनाई हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं डाल दूँ काली वाली सरसों, तो यहाँ पर मैंने सरसों डाल दिए हैं, और अच्छी तरीके से इसको चटकने देंगे। और उसके बाद मैं डाल दूँ हरी मिर्च, तो मैंने यहाँ पे 4-5 हरी मिर्च ली है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी और स्पाइसी बनाने थे। और तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है, और थोड़ी सी यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता भी डालूँगी। तो साथ ही साथ में जो फ्राई करने के हैं ऑयल में, वो मैं सारा ऐड करूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया कड़ी पत्ता, बिल्कुल फ्रेश कड़ी पत्ता है। यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़ी चने दाल जो मैंने ली है, और अच्छे लगते हैं इसकी टेस्ट। और साथ में सिंग दाना यानी कि जो है मूँगफली बादाम। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ को अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको जो है गोल्डन कर लेती हूँ, क्योंकि गैस को मैंने हाई पे रखे है, लो पे नहीं रखे हैं। अच्छी तरीके से जो है मूँगफली और चने जो है फ्राई होने में टाइम नहीं लगता है, फटाफट फ्राई हो जाते हैं। यहीं पे मैंने लिए 4 प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कटिंग कर लिए हैं, छोटे वाले प्याज थे। तो चलिए अच्छी तरीके से लाल हो गए हैं, हम इसको लाल करने के बाद में जो है प्याज डालूंगी। तो थोड़े से जो है मतलब सिंग दाने हैं, थोड़े होने में टाइम लगते हैं। तो चलिए फटाफट प्याज डाल देते हैं, और प्याज को भी अच्छी तरीके से गोल्डन करेंगे। तो आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी प्याज डाल सकते हैं, बट मैंने इस तरीके से कटिंग करके डाले हैं, ताकि जब भी आप जो खाओ तो जो मुंह में आते हैं ना प्याज, तो थोड़ी सी अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पे ना इस तरीके से ही प्याज डाली हूँ। आप चाहें तो इसको ना छोटे छोटे टुकड़ों में भी कटिंग करके आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी इस तरीके से कटिंग करी हूँ, आप इसको बारीक कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैं अच्छी तरीके से जो है तेल में फ्राई कर लेती हूँ। गैस को मैंने हाई पे ही रखे हैं, लो पे नहीं रखे हैं। प्याज होने में थोड़ा सा टाइम लगते हैं, क्योंकि प्याज थोड़ा गोल्डन करना है मुझे, क्योंकि गोल्डन करूँगी तभी जो है उपमा में जो प्याज की अच्छी तरीके की जो फ्लेवर आ पाएंगे, उनको नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं प्याज को गोल्डन होने के लिए छोड़ दिए। आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग किस तरीके से उपमा बनाते हैं। वैसे मैं उपमा की रेसिपी कई सारी अपलोड कर चुकी हूँ, वेजिटेबल उपमा, प्लेन उपमा। तो आज मैं बिल्कुल अलग तरीके की उपमा की रेसिपी लेके आई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, इस तरीके का उपमा एकदम खिले खिले और बहुत टेस्टी बनते हैं। इस तरीके की उपमा सुबह नाश्ता हो या फिर जब कभी भी आपको खाने का दिल करे या बच्चे को टिफिन में बना देने का दिल करे, तो आप इस तरीके की गर्मा गर्म उपमा बना सकते हैं। और तो यहाँ पे देखिए मैं प्याज को ना ब्राउन कर रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगते हैं ब्राउन होने में। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट इसको ब्राउन कर लेते हैं, जो है इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया, आप देख पा रहे होंगे प्याज भी अच्छी तरीके से हो गए। अब यहीं पर जो है सूजी ऐड करूँगी यानी कि रवा। तो यहाँ पर देखिए मुझे जितनी बनानी थी इतनी क्वान्टिटी में मैंने रवा यहाँ पर डाल दिए हैं। अभी इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरीके से मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ कम से कम 5 मिनट तक मैं इसको गैस को लो करके ही मैं फ्राई करूँगी, ताकि जो है रवा अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो मुझे कम लग रहे थे, क्योंकि मैं 3 जन के लिए नाश्ता बना रही थी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे थोड़े से रवा मैंने और डाल दिए थे। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं, मतलब इसको भूनते हैं, भूनने में टाइम लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसको मतलब धीरे धीरे करके भून रही हूँ, क्योंकि है ना और थोड़ी सी आप नहीं देखोगे तो ये इधर उधर हो जाते हैं, मतलब छिट जाते हैं। और गैस को मैंने लो रख दिए हैं, अगर हाई पे रखूँगी तो वो जल जाएंगे, सिकेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए इसको फटाफट पहले गोल्डन कर लेते हैं, और बने रहिए वीडियो में मैं किस तरीके से जो बनाती हूँ आप देखिए। और इसी तरीके से एक बार घर पर जो जरूर बना के ट्राई करें।
और आप लोग किस किस जगह से मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हो तो नाम मेंशन करना भूल जाते हो, और प्लीज़ नाम मेंशन करना ना भूलें। और तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको गोल्डन होने के लिए मैंने छोड़ दिए थे, और मैं कढ़िया थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गए थे, और क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, तो इस वजह से जो है कढ़िया ज़्यादा ही गर्म हो गया था। देखिए मैंने छोड़ दिए थे, तो प्याज जो है थोड़ा सा लाल हो गए थे, तो इसको चलिए मैंने अच्छे तरीके से पकड़ के इसको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मेरी जो है ना कढ़िया, जब भी मतलब मैं बनाती हूँ कुछ ऐसा चीज़, तो मेरी ना कढ़िया छोटी पड़ जाती है, बट यहाँ पे आज भी मेरी कढ़िया छोटी पड़ गए हैं। मैं यहाँ पे डाल दी हूँ नमक, टेस्ट के हिसाब से मैंने नमक ऐड कर दी है। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा गर्म मसाला, या फिर थोड़ा सा मैगी मसाला, या फिर थोड़ा सा आप मतलब जो है ब्लैक पेपर वगैरह डाल सकते हैं, बट यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि चटनी जो है मैं टेस्टी चटनी बनाई थी, तो चटनी के साथ ही मैं आज मैं जो उपमा बच्चे लोग को दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको धीरे धीरे करके इसको मैं फ्राई करती हूँ। नमक मैंने डाल दिए हैं, नमक के साथ इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि नमक मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बाद में डालूँगी तो नमक कहीं कहीं मतलब रह जाएंगे, और कहीं कहीं मतलब घुल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से सेक रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब थोड़ा सा गोल्डन हो गए हैं, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ पानी। तो यहाँ पे थोड़ा पानी कम हो रहे थे, जैसे मैंने बताया ना कढ़िया छोटी पड़ गए थे, तो यहाँ पे देखिए कढ़िया बिल्कुल छोटे पड़ गए थे, और मैं ना देख देख के पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने पानी डाले हैं, थोड़ा सा और पानी मतलब यहाँ पे और डालना बाकी है। तो पानी में इतना डालूँगी जितने मतलब पानी में अच्छी तरीके से जो है उपमा मतलब फूल के और अच्छी तरीके से वो पक जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधी गिलास पानी मैंने और डाल दिए हैं, अब इसको ना अच्छी तरीके से चलाऊँगी। यहीं पे जो मैंने टमाटर डाल दिए हैं, जो मैंने आप टमाटर अगर नहीं खाते हो तो प्लीज़ टमाटर यहाँ पे ना डालें, बट मेरे पास जो टमाटर थे वो सलाद वाली थे, और बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरीके से। अब लास्ट में डाले टमाटर तो बहुत टेस्टी लगता है, तो मैंने टमाटर डाल दिए यहाँ पे। और साथ ही साथ में यहाँ पर देखिए थोड़ी सी टमाटर मैंने रख भी लिए थे डेकोरेट करने के लिए। अब इसको मैं चलाती हूँ धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर देखिए तो जो टमाटर है वो स्टीम से ही पक जाएंगे, जितनी देर इसको मैं फ्राई करूँगी उतनी देर जो है टमाटर भी नरम हो जाएंगे। यहाँ पे गैस कर लिए हाई पे, और हाई पे रख के मैं इसको मैं चलाऊँगी एक दो मिनट के लिए, और फटाफट बन जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगते, एकदम झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेंगे, बस थोड़ी सी तैयारियाँ करने में वक्त लगते हैं, बट बनते बहुत टेस्टी हैं। ये साउथ इंडियन डिश ऐसा है कि आप मतलब आप जितना भी सिंपल तरीके से बनाओगे बट बनते बहुत टेस्टी हैं, और एक बार आप खा लो तो मतलब है कि पेट भरे भरे से लगते हैं, और एक तरह से जो डाइट करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल बेस्ट खाना है। बिल्कुल आप आधी चम्मच में भी इसको अब बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको एक दो मिनट के लिए कवर कर करके मैं इसको मतलब जो है चलाऊँ मतलब उसको भूनूंगी। तो मैं अभी कवर नहीं करूँगी, कवर मैं लास्ट में करूँगी, और नींबू भी मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं जो नींबू ली थी वो नींबू भी डाल दूँगी। तो आप अगर खट्टा खाते हैं तो यहाँ पर ऐड करें, बट मैं यहाँ पर खट्टा बच्चे लोग पसंद करते हैं थोड़ा सा उपमा में, तो मैं यहाँ पे नींबू जो है कटिंग कर रही हूँ यहाँ पे डालने के लिए। तो बहुत जन नींबू नहीं पसंद करते हैं, मैं डालती हूँ थोड़ा चटपटा बनाने के लिए, क्योंकि मैं मिर्च थोड़ा सा जो है तीखा तीखा वाली डाली हूँ। तो यहाँ पे मैं नींबू डाल रही हूँ, और यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से उपमा का कलर भी आप देख पा रहे होंगे। इसका जो कलर है हल्का सा येल्लो है, इस वजह से क्योंकि मैं इसको सरसों तेल में बनाई हूँ। अगर आप रिफाइंड ऑयल में बनाते हैं तो थोड़ी सी जो इसका कलर है हल्का सा वाइट टाइप के दिखेंगे, बट मैंने जो कुकिंग ऑयल है ना वो सरसों वाली तेल में बनाई थी, तो इस वजह से इसकी जो कलर थोड़ा सा येलो येलो टाइप के दिख रहे होंगे। मैं यहाँ पर मैंने डाल दिए नींबू, मैंने एक पूरे नींबू लिए हैं, तो मैंने यहाँ पर नींबू डाल दी थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए, क्योंकि मैं मिर्च वगैरह जो है थोड़ा सा तीखा ही बनाई थी। ये बने बहुत ज़बरदस्त थे, प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें ये। तो फाइनली इसको मैं चलाती हूँ, यहाँ पे देखिए अब बिल्कुल एकदम खिले खिले हो गए। एक दो मिनट के लिए इसको मैं गैस को ना ऑन करके मतलब जो है कवर कर दूँगी, बंद नहीं करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं एक दो मिनट कवर कर दूँगी, तो जो उपमा है एकदम जो थोड़ा सा जो पानी पानी दिख रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा सूखे हो जाएंगे, और बिल्कुल एकदम खिले खिले बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल एकदम बहुत टेस्टी लगे थे, बहुत टेस्टी। आप इस तरीके से जरूर बनाइएगा। तो देखिए मैंने कवर कर दिए हैं, और कवर करने के बाद देखिए मैंने फाइनल प्लेट लगाए हैं। तो देखिए चने दाल की चटनी, तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में ना फिर से एक नई रेसिपी के साथ मिलूँगी।
और रेसिपी अच्छे लगे हों तो बेल आइकन दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये वीडियो आपको फेसबुक इंस्टाग्राम सब पे मिलेंगे, तो प्लीज़ जाके वहाँ पे देखें। आज के लिए इतना ही, बाय।